हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए आइए फिर मैं आपको क्वेश्चन पे पहले लेके आता हूँ और फिर हम उसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है ये देखो बेटा। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x अपॉन ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx। देखो बेटा, इंटीग्रेशन है इसलिए dx है, इंटीग्रेशन है इसलिए dx है। इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व कर लेंगे तो dx भी चला जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है बेटा e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस 1 का। यस, तो ये इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चलो फिर मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। यस, तो हम सपोज करेंगे कि लेट I इक्वल टू दिया गया प्रॉब्लम। यस, तो I इक्वल टू दिया गया प्रॉब्लम, ये आ गए बेटा हम आंसर पे। ओके, तो देखो फिर आंसर। यस, तो ये थर्ड वाला बेटा, लेट I इक्वल टू हमें दिया गया प्रॉब्लम कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x अपॉन ये 1 प्लस ई टू द पावर 3x, ये dx ऑलरेडी दिया है ना, बरोबर। यस, तो ये बेटा हमें प्रॉब्लम दिया गया है। तो लेट I इक्वल टू दिया गया प्रॉब्लम। अब यहाँ बताओ बेटा, इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो इसका हमें मालूम नहीं है। सही बात है, तो हमें फिर वहाँ पे कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हमें इसका क्या मिल सके, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल सके। सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी ऐसा पार्ट जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है। तो देखो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, तो ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, ये e टू द पावर 3x ये मैंने dx के साथ इधर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर यहाँ क्या बचा है, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यानी बेटा यहाँ 1। यस, अपॉन ये डिनोमिनेटर जैसे थे 1 प्लस e टू द पावर 3x, और यह भी बताया e टू द पावर 3x इंटू dx। यस, अभी बेटा हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही। अभी हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है, क्या है बेटा डिनोमिनेटर, 1 प्लस e टू द पावर 3x, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट ये डिनोमिनेटर 1 प्लस e टू द पावर 3x इक्वल टू tt पुट करेंगे बेटा। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू हम पुट करेंगे t। अच्छा, तो मुझे बताओ राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे सर t, तो उसी से डिफरेंशिएट करना होता है बेटा। तो फिर हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो क्या मिला बताओ फिर, तो आप बोलेंगे सर डिफरेंशिएट का मतलब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t का मतलब होता है d/dt लेना, सभी टर्म को देना पड़ेगा d/dt। तो ये देखो d/dt दिया इस 1 को, प्लस वैसे ही d/dt दिया इस e टू द पावर 3x को, इक्वल टू वैसे ही, और d/dt दिया बेटा इस t को। तो देखो ये 1, 2 और 3 तीन टर्म थे, तो तीनों को हमने d/dt दिया। यस, तो ये हमें स्टेप मिल गई बेटा। अब हम अगर सामने बढ़ेंगे तो क्या होगा बताओ, तो 1 ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है, और e टू द पावर 3x की डेरिवेटिव वही रहती है बेटा e टू द पावर 3x इंटू d/dt ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन है बेटा 3x, क्योंकि पूरा फंक्शन तो e टू द पावर 3x है, उसकी डेरिवेटिव हमने फाइंड की, e टू द पावर 3x की डेरिवेटिव वही होती है e टू द पावर 3x इंटू ये d/dt ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन है बेटा 3x। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरा फंक्शन है e टू द पावर 3x और उसका इनर फंक्शन है 3x। तो ये हमने फंक्शन e टू द पावर 3x की डेरिवेटिव ली, वो वही आती है इंटू ये d/dt ऑफ इनर फंक्शन यानी d/dt ऑफ 3x इक्वल टू बेटा, ये इक्वल टू वैसे ही, और आप देख सकते हैं कि ये dt dt तो कैंसल हो गया बेटा, है ना, ये dt
और ये डी टी कैंसल हो गया, तो फिर यहाँ क्या बचा, वन बचा। अब ये जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, तो देखो ये ई टू दी पावर 3x वैसे ही, और अभी 3x की हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो 3 तो बेटा ये कांस्टेंट है, इसलिए इस डेरिवेटिव के बाहर निकाला, तो फिर बचा क्या बेटा, इनटू ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू वन वैसे ही, इक्वल टू वन वैसे ही। हाँ तो बेटा हम सामने बढ़ेंगे, तो अब यहाँ ध्यान दो बेटा, ये जो 3 है ये हम इधर लेंगे राइट हैंड साइड में, तो डिवीजन में चले आएंगे, है ना, और ये डी टी बेटा इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो देखो ये डी टी इधर लिया, तो ये डी टी अपॉन ये 3, और इधर क्या बचा, ई टू दी पावर 3x इंटू ये वाला डी एक्स, क्या बचा फिर बताओ, ई टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स इक्वल टू ये डी टी बाई 3, यानी इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x के टर्म है और राइट हैंड साइड में t के टर्म है। ओके तो अब बरोबर ध्यान दो और मुझे बताओ बेटा कि हमने कौन सी वैल्यू रखी। तो आप बोलेंगे सर हमने 1 प्लस e टू द पावर 3x की वैल्यू t रखी, और ये डेरिवेटिव सॉल्व करते गए तो हमें मिला सर ये e टू द पावर 3x dx इक्वल टू dt बाई 3। तो ये एक ये वैल्यू वैल्यू बेटा, और दूसरी ये वैल्यू वैल्यू आप इस सब प्रॉब्लम में रखो रखो बरा, इस प्रॉब्लम में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही इंटीग्रेशन, वैसे ही वन वैसे ही, और सर ये जो 1 प्लस e टू द पावर 3x है इसकी वैल्यू सर t ये हमने रखी, और सर e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स जो है सर इसकी वैल्यू सर dt/3 ये रखी। तो वो हमने क्या रखा, 1 प्लस e टू द पावर 3x की वैल्यू t रखी और e टू द पावर 3x dx की वैल्यू dt/3 रखी। ओके अब बेटा हम सामने बढ़ते हैं, तो मुझे बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही, और ये अपॉन 3 का मतलब 1/3, 3 कांस्टेंट होते हैं ना बेटा और ये डिवीजन में है, तो ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाला है ना कौन से, 1/3 के रूप में, तो बचा क्या, तो ये इंटीग्रेशन वैसे ही, ये इंटीग्रेशन वैसे ही, और ये 1/t वैसे ही, और ये dt वैसे ही, तो ये इक्वल टू वैसे ही, 1/3 वैसे ही, और मैंने आपको कई बार बताया 1/t का इंटीग्रेशन बेटा होता है log t। अच्छा ये इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ dt है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो dt चला जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, 1/t का, तो क्या होता है बेटा 1/t का इंटीग्रेशन log t, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसलिए बेटा +c, तो कौन सी वैल्यू मिली फिर हम बताओ, 1/3 वैसे ही, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसलिए +c। हाँ तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो i चली आ रही है, i वैसा ही, इक्वल टू वैसा ही, 1/3 वैसा ही, इंटू ये log वैसे ही, और t की वैल्यू जो है बेटा वो है 1 प्लस e टू द पावर 3x, 1 प्लस e टू द पावर 3x, और ये +c वैसे ही। आप बोलेंगे सर t की वैल्यू ये 1 प्लस e टू द पावर 3x कहाँ से, अभी तो हमने वैल्यू पुट की थी ना बेटा, ये देखो ना साइड वर्क में 1 प्लस e टू द पावर 3x की वैल्यू t रखी थी, मतलब t की वैल्यू 1 प्लस e टू द पावर 3x, तो वही तो रखा बेटा, t की वैल्यू 1 प्लस e टू द पावर 3x वही रखी है ना। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात बेटा कि जब भी हम लॉग लिखते हैं तो उसके अंदर का जो इनर फंक्शन होता है वो बेटा मॉड में लिखना, ये बेटा 2 वर्टिकल लाइन है ना मॉड में, तो लॉग के अंदर का जो इनर फंक्शन होता है वो मॉड में लिखा जाता है इसलिए बेटा मॉड में लिखा। तो देखो फिर ये आई वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, 1/3 वैसे ही, इंटू ए लॉग, और ए टी की वैल्यू बेटा 1 प्लस e टू द पावर 3x, ये +c, ये आ गया बेटा आंसर। यहाँ पे ये वीडियो बेटा हमारा कंप्लीट हुआ, अभी जो फोर्थ रहेगा बेटा वो हम देखेंगे सामने के एक वीडियो में। ओके बेटा।